नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आस्था रखते हैं उन्होंने भगवान इश्क को मोहब्बत की दुनिया से निकलकर हकीकत निगारी की दुनिया में सांसें लेना शुरू किया। उनका अंदाज अंदाजे बयान बिल्कुल बदल गया। मुलाजा कीजिए, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया तुझसे तो दिल फरेब है मन रोज कर के। फैज की इब्तदाई शायरी में रुमानियत की झलक नजर आती है। उनकी शायरी शुरू में रोमानी अनासर और इश्किया उन्वानात ही तक महदूद रही, लेकिन आगे चलकर उसमें तनावर और वसत पैदा हुई। फैज उर्दू के उन रोशन ख्याल और जिदत पसंद शायरों में से हैं जिन्होंने फिक्र और फन दोनों में नई राही निकाली है। तसन्नु और तकल्लुक से फैज काम नहीं लेते, अपने जज्बात और महसूसात को सीधे सादे अल्फाज में ऐसे हसीन प्यार में बयान कर देते हैं कि उनमें एक खास दिलकशी तासीर और मानवियत पैदा हो जाती है। यही फैज की शायरी की खसूसियात और उनका जबरदस्त कारनामा है। फैज की सियासी शायरी की बात करें तो उनकी शायरी मंजिल तक पहुंचने का जरिया न सही, लेकिन हुसूली मंजिल के लिए रास्ते का चुनाव करने में जरूर मदद देती है। और अगर यह भी नहीं है तो कम अज कम दिलों के बर्फीदार में ऐसी गर्म हवाओं का पैगाम जरूर लाती है जिसे मंजिल की लगन का नाम दिया जा सकता है। एक शायर से इससे ज्यादा क्या तवक्को की जा सकती है कि वो चारों तरफ फैली हुई तारीकी और तेज हवाओं की गर्म में आशनाओं के चंदिए रोशन करने की कोशिश करे। सेमिनार वगैरह पार्लर के और अदर भी ऑर्गेनाइज कराती रहती हूँ। आज मुझे ये फैज शायर के उस पर मुझे काम मिला है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतने कम समय में आके यहाँ पे हम अपना अपना योगदान दिया। और मैंने अपने पार्लर के कुछ स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी बुलाया है जिन्होंने अपना मुझे साल एक एक साल दिया है और सीखा है और आज अपने पैरों पे खड़े हैं वो लोग। मैं उन लोगों को सर्टिफिकेट देना चाहती हूँ। मुलाकात उनसे बहुत बचपन में हुई जबकि अदबी शऊर भी नहीं पैदा हुआ था, लेकिन शायर बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो मुजान मजाज के दोस्त थे। मुजान ने मेरा नाम रखा था और वो अपने अक्सर दोस्तों से मुझे मिलाते थे, लो मेरी भतीजी सहबा है। तो दोस्त बहुत खुश हो जाते थे नाम सुनकर और मुझे ये खुशफहमी हो चली थी कि मुझमें कोई ख़ास बात है कि और अहल दर्द का दस्तूर निशाते बस हलाल व अजाब हिजर रहा जिगर की आग नज़र की उमंग दिल की जलन किसी का चाह रहे हिजरा पे कुछ असर ही नहीं। फैजी के संबंध में जो आयोजन किया गया उसमें आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है जानकर कि इस आयोजन में फैज जी को और उनकी शायरी को याद किया जा रहा है और उसको सुनकर लोग उनके बारे में के विचार सुनकर और जो लोग उनसे मिले वो सब जानकर बहुत खुश हुई और उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ा फैज जी के लिए। एकता सेवा समिति की ओर से जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया समय समय पर करती रहती हैं, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? एकता जी इस तरह के आयोजन अक्सर करती रहती हैं और इस तरह से वो आयोजन करके समाज की देश की सेवा करती हैं और अपना जो योगदान हो सकता है वो पूरी तरह से दे रही हैं वो। डॉक्टर मसीहुद्दीन खान, आज का जो सेमिनार है वो उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ पे है जिनका ये शेर कि गुलों में रंग भरे बाद बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, और वो शायर जिन्होंने लोगों के जहनों को दिमागों को झिझोड़ के रख दिया। एकदम से जब प्रॉब्लम्स आई समाज में तो उन्होंने ये शेर पढ़ा और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग राहत और भी है वसल की राहत के सिवा। इस तरह के अशार से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से हर चीज़ का अहाता किया, कवर किया और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि समाज में अगर हमें ज़िंदगी गुजारना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आज ये सेमिनार एकता सेवा समिति की जानिब से एकता रायजादा जो उसकी सेक्रेटरी है कन्वीनर है ये एहतमाम कर रही है। इसमें लोगों ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसे इनवाइट किया था? प्रोफेसर आरिफ अयूबी जो कि चेयरमैन है फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी।
ठीक है जी, वो हमारे दरमियान है, राशि नहीं है, घटना सिद्धा साहब जो कि प्रसाइड कर रही है जी, ये प्रोग्राम यहाँ पर ठीक है। ठीक जी, मैं एकता श्रीवास्तव और जो मेरी एक सोसाइटी है एकता सेवा समिति, इसके तहत मैंने बहुत से काम किए हैं और सेमिनार वगैरह भी करती आई हूँ। आज मुझे एक उर्दू एकेडमी से बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला जिसमें फैज़ अहमद के